सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ गोभी आलू की सब्जी शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर हम गोभी आलू घर में बनाते हैं तो गोभी पूरे गल जाते हैं, मज़ा नहीं आता है खाने में। और पार्टियों में जो हम खाते हैं उसमें गोभी अलग अलग रहते हैं और वो कितनी टेस्टी लगती है। तो चलिए उसी अंदाज में मैं आपको बताती हूँ कि हम गोभी आलू की सब्जी कैसे बनाएं। मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में। चलिए शुरू करते हैं। गोभी आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल रखा हुआ है और यहाँ मैंने गोभी और आलू को काट के रखा है। आप देख सकते हैं गोभी के थोड़े बड़े बड़े पीसेस काटे हैं, छोटे मत काटिएगा नहीं तो मज़ा नहीं आता। मार्केट में बड़े कटते हैं ना पार्टीज में। तो जो तेल हमने गर्म करने रखा था उसमें हम ये गोभी और आलू डाल देते हैं, क्योंकि हम गोभी और आलू को थोड़ा फ्राई करेंगे। जो हम पार्टीज में खाते हैं गोभी आलू, वो इसी तरीके से बनती है। वो थोड़ा गोभी और आलू को फ्राई कर लेते हैं, जिससे जो ये जो सब्जी है उसमें सौंधी खुशबू आती है, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है नॉर्मल जो हम घर में सब्जी बनाते हैं उससे। तो दोस्तों, यहाँ मैं क्योंकि डीप फ्राई कर रही हूँ, ये मैं मानती हूँ कि ये हम सब्जी डेली नहीं बना सकते, लेकिन हाँ घर में कोई गेस्ट आ रहे हो उनके लिए हमें कोई स्पेशल सब्जी बनानी है तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हमें ये थोड़ा फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और फिर इसे आप एक टिश्यू पेपर में निकाल लीजिए ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। ये मैंने हमारी सब्जियाँ थोड़ी फ्राई कर ली हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज को रफली काट के रखा है, कुछ लहसुन के पीसेस लिए हैं और अदरक ली हुई है, और इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीस के दरदरा पीसेंगे, क्योंकि बारीक हम तब पीसते हैं जब हमें ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए होती है। ये सूखी सब्जी है तो यहाँ हमें बस उसके पीसेस करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ये पीसा है। तो अब एक आप पैन या कढ़ाई ले लीजिए, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल और फिर डालेंगे इसमें जीरा। जब जीरा चटकने लगेगा तो इसमें जो हमने प्याज का जो पेस्ट बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे और प्याज को हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई मतलब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि सब्जी का कलर बहुत ही सुंदर आता है। अब प्याज और मिर्च को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद प्याज को भून लीजिए, ताकि प्याज जो है हल्की भुन जाए, उसका जो कच्चा स्मेल है, रॉ स्मेल है, वो चली जाए। अभी मैंने धीमी आंच रखी हुई है। धीमी आंच में मसाले भूनेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से भूनते हैं और जलते भी नहीं हैं। प्याज हमारी अब भून चुकी है तो इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। तो मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कोई अलग मसाले नहीं डाले हैं, नॉर्मल मसाले डाले हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ मैं टमाटर को पीस के रखा है। टमाटर भी बहुत बारीक नहीं पीसा है, दरदरा ही पीसा है। आप देख सकते हैं टमाटर के पीसेस इसमें हैं। यहाँ मैंने एक नहीं दो टमाटर पीसे थे दोस्तों। तो अब टमाटर को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स, मसाले में हम डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। नमक डालने के बाद मसाले जल्दी पकने लगते हैं और टमाटर भी गलने लगते हैं। यहाँ मैं कुछ ये फ्रोजन पीस डाल रही हूँ, मटर के दाने जो हमारे पास अगर हैं। अगर वो आपके पास कड़क दाने हैं तो उन्हें आप थोड़ा सा बॉईल करके फिर डालें। जो मेरे दाने हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं तो मुझे ये बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के पका देंगे ताकि जो मटर के दाने हैं उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर चला जाए। आप स्किप भी कर सकते हैं बॉईल करना, डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हैं। अभी देखिए मसाले तो भून चुके हैं, इसमें हम डालेंगे जो हमने आलू और गोभी को जो हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे।
आप देखेंगे कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि सूखी सब्जी है। थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें और थोड़ी देर ढक के भी पका लें। सब्जी को हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर पका लेंगे ताकि सब्जी के अंदर भी मसालों का फ्लेवर चला जाए। ये देखिए हमारी सब्जियाँ अब पक चुकी है, अच्छी तरीके से पक गई है। मसालों का जो फ्लेवर है वो सब्जी के अंदर चला गया है, मतलब आलू और गोभी के अंदर चला गया है और ये सब्जी बिल्कुल रेडी है। ऊपर से डालिए आप कटी हुई धनिया पत्ती, मिक्स कीजिए और सर्व कीजिए। और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। फिर मुझे बताइए कि ये रेसिपी कैसी बनी आपसे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, आप मुझे अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।